अच्छे, मुझे भी पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो मेरे साथ करते हैं। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रही है कि माया। और आज की माया की क्या है कि माया, जल्दी से बताओ। कि माया की पीटीएम है। पूरे 9:35 और ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं, बस मेरा तैयार होना अभी बाकी है। और अभी जल्दी से बस चाय की तैयारी हो रही है, चाय और नाश्ता। मींस मैं सोच रही हूँ कि बेसन के बना लूँ चीले। तो फ्रेंड, तो करते हैं आज व्लॉग की शुरुआत। आज आज जो किमाया की और अक्षत की पीटीएम है, और मैं बस नहा धोकर बस कपड़े पहने हैं अभी कैजुअल से, और अभी पीटीएम के लिए तैयार होना है सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि किमाया और अक्षत दोनों का ही टाइम डिफरेंट है। मींस किमाया की मीटिंग का टाइम अलग है और अक्षत की अलग, तो एक कॉमन टाइम में जाएंगे सो दैट हम दोनों की पीटीएम को अटेंड कर लें। चलिए तो जल्दी से बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय है मस्ट। पता नहीं क्या क्या आज सुनने के लिए मिलेगा। और रही बात कि पीटीएम क्यों है, क्योंकि अभी इनके मिड टर्म एग्जाम से, और उस मिड टर्म एग्जाम में इन्होंने ऑन एन एवरेज मीन्स मैं बोलूंगी बहुत अच्छा भी नहीं किया और बहुत ही ज्यादा वर्स्ट मीन्स खराब भी नहीं किया। ये अपने खेल कूद और अपने एंजॉयमेंट और अपनी एज के हिसाब से मुझे लगता है सही चल रहे हैं। बाद में तो इनकी माँ खुद टीचर है, बाद में इनको खुद मैं कवर कर लूंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी को। तो अच्छा, इस तरह की चाय जो होती है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं टी मसाला है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और सुबह सुबह अगर एक स्ट्रॉन्ग सी चाय हो जाए तो पूरा दिन अच्छा रहता है, मुझे मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज तो जरूर होती है कि अगर आप कभी भी डोसा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, तो जो पहला चीला डोसा इस तरह की चीजें होती हैं वो थोड़ा सा टूटता जरूर है, क्योंकि आपका अभी जो तवा होता है वो अभी सही तरीके से ग्रीस नहीं होता है। तो यहाँ पर बन रहे हैं बेसन के चीले, बड़े अच्छे लगते हैं। ये चटनी मैंने कल बनाई थी, बहुत कम बची है, चलो ये भी काम आ जाएगी आज बेसन के चीलों के साथ। हो चुकी हूँ रेडी फ्रेंड्स पीटीएम जाने के लिए, और मैंने आज डाला है अपना नया सूट जो मैंने ऑर्डर किया था एजियो से, और ये अव्यासा ब्रांड का है। और रही बात कि मैंने आपको रेट नहीं बताए थे, क्योंकि जो रेट होते हैं जब मैंने ऑर्डर किया था वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसेशन पे था। मीन 72% इस पे कंसेशन था, और अभी राइट नाउ मुझे नहीं पता करेंटली इसका क्या प्राइस चल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा मस्टर्ड येलो कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे।
और ऊपर इसके ये जैकेट है, और मेरे ख्याल से जो कॉस्ट है इसकी है 1999, मीन 700 या 600 के आसपास इसकी कॉस्ट है। आप चेक कर लीजिएगा, अव्यासा ब्रांड है, बहुत ही प्यारा है। ऊपर ये जैकेट है और इस जैकेट को टाई कर सकते हैं, और इस तरीके से अंदर ये एक तरीके से सूट है, कुर्ती है जो कि विदाउट स्लीव्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दिल्ली में किसी भी समय आप निकल जाएं, चाहे सुबह का समय हो, चाहे दिन का, चाहे रात का, आपको जाम का सामना करना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए, पीटीएम है और लगभग बज रहे हैं 11, और इस समय कितनी भीड़ हो गई है, रोड भी क्रॉस करने का मौका नहीं दे रही है ये डीटीसी की बसें। अब ये ट्रैफिक पुलिस आए हैं और रोड सही करवाइए, क्रॉस करवाइए। किमाया, डर लग रहा है? हाँ मैम शिकायत करेंगी किमाया की? I don't know. You don't know? Why? Where is अक्षर? अक्षर डर लग रहा है? नहीं। क्यों? आपने शरारत करी थी? नहीं करी थी। चलो गुड। पीटीएम से आ चुके हैं किमी, अक्षत इधर आओ। कैसा रहा? तो ओवरऑल सही रहा, एकेडमिक्स सही है, और जो अदर एक्टिविटीज है, कोकुलर एक्टिविटीज है, वो भी ठीक है। क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन के लिए बोला है, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें, अदरवाइज तो बच्चे अपनी मर्जी का करते हैं हमेशा। और अभी इतनी गर्मी है इस समय, बहुत ही ज्यादा, और लगभग दिन के हो रहे हैं 12:15, और अभी मुझको जाकर पढ़ाना है। मेरे ट्यूशंस हैं और 12:30 से मेरे ट्यूशंस हैं। सैटरडे संडे भी इस बार ले रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा मेरा ऑफ है। क्यों ऑफ है वो भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पढ़ाने के बाद फिर करूंगी कुछ शूट और दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, लगभग बज चुके हैं शाम के 5, और स्कूल से आने के बाद, पीटीएम अटेंड करने के बाद मैंने आके ट्यूशन पढ़ाया था, और उसके बाद दोपहर का लंच कुछ बना नहीं था, क्योंकि आने में लगभग 12:30 हो गए थे उस बार ट्यूशन से, उसके बाद सब सो गए थे। और अब उठे हैं और फरमाइश है सबकी कि मैगी बनाई जाए, तो यहाँ मैगी और चाय बन रही है। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो अभी तो फिलहाल इंडिया जो है वो बॉलिंग कर रही है, बैटिंग जब आएगी तब आएगा असली मजा मैच को देखने का। और मैगी जो है वो कभी कभी बनाई जाती है, डेली नहीं बनाई जाती है, मतलब जब कभी मन करता है या कभी छुट्टी होती है, और कुछ दोपहर में नहीं बनाया होता है तब शाम को मैगी खाने का जो आनंद होता है ना, वो अलग होता है। चलिए, बन गई है बिल्कुल मैगी, रेडी है, और बस अब खाने की तैयारी है। इधर मैंने बना ली है चाय सबके लिए शाम की। चलिए शाम की चाय और मैगी को करते हैं एंजॉय। कॉन्स्टेबल बेस बिल्कुल ऊपर,
भारत के जीतने की खुशी में फूट रहे हैं बहुत सारे पटाखे। चलिए आप लोगों को भी सबको बहुत बहुत बधाई हो और भारत जीत गया है और आशा करती हूँ कि भारत वर्ल्ड कप को भी जीत के आए और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो। बहुत ही बढ़िया सा कहते ना एक फीलिंग आती है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो अलग ही फीलिंग आती है और वाकई में ही बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल हो जाता है। देखिए पटाखे फूट रहे हैं तो प्लेन्स बहुत जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पास है। अच्छा आज कुछ खास नहीं किया आज क्योंकि सैटरडे था, घर में लगभग सभी की छुट्टी थी, बच्चों की भी थी और वर्मा जी की भी छुट्टी थी। यहाँ पे कॉपीज चेक कर रही हूँ, जो आज टेस्ट लिया था बच्चों का वो कॉपीज चेक हो रही हैं और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि माया भी कॉपीज को चेक कर रही है बिल्कुल सेम जैसा मैं करती हूँ ना, बिल्कुल सेम वैसा ही कि माया करती है, बिल्कुल सेम इतनी सारी कॉपीज लेके बैठी है और वो भी कॉपी को चेक कर रही है। तो कहते हैं ना लाइक मॉम लाइक डॉटर, तो सेम वही है। चलिए फ्रेंड्स तो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड और लगभग हो चुके हैं रात के 8:30। अब करती हूँ डिनर की तैयारी, देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ और मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। इंडिया की जीतने की खुशी में आया है ब्लिंकिट से, मतलब मंगाया है ब्लिंकिट से पानी पूरी। चलिए अब इसको भी बना लेते हैं और करते हैं एंजॉय। अभी एंड नहीं हुआ है व्लॉग, अभी फिल्म बाकी है तो अभी खाएंगे पानी पूरी। चलिए तो कुछ इस तरीके का पैकेट आया है, शायद इसके अंदर होंगे गोलगप्पे और मेरे ख्याल से 30 गोलगप्पे हैं। कितने का आया ये पूरा पैकेट? 185 का है ये, 185 का। सच में इससे अच्छा तो भारी खाया थे गोलगप्पे। 30 गोलगप्पे हैं, 5 गोलगप्पे आते हैं 30 रुपए के। पैकिंग देखिए, ओह वाव, गोलगप्पे की मस्त है ना। आइए बूंदी और शायद मेरे ख्याल से ये सॉल्ट है क्या है देखते हैं, ये पानी बनाना है ना उसके लिए इसमें डाल दी। ये माया पानी की ठंडी बोतल निकालो बेटे, ये मीठी सॉल्ट है, बस आलू मिसिंग है, आलू आप घर में बॉईल कर ले और बना ले। चलिए और लगभग डालना है 900 ml पानी, तो मैं लगभग 1 लीटर के आसपास है, थोड़ा सा उससे कम डालूंगी और पहले टेस्ट कर लूंगी पानी कैसा है ना। तो पहले टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और करते हैं एंजॉय। तो ये आए हैं हल्दीराम के गोलगप्पे, बस फ्रेंड्स काम चला हुआ है मुझे तो लग रहा है और देखते हैं काफी के कैसे लग रहे हैं।